हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अ टॉपिक स्विचर्स इन सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। आज हम स्विचर्स पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और स्विचर्स जो होता है, ये जो टाके जब जो कट लग जाता है बॉडी में, या मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें जो टाके जो लगाए जाते हैं, जो थ्रेड होता है, उसको जो होता है वो स्विचर्स होते हैं, उसको स्विचर्स कहा जाता है। तो आज हम स्विचर्स में इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचर्स, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ स्विचर्स, इतनी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचर्स। अ स्विचर्स इज अ स्ट्रिंग और फाइबर विच इज यूज्ड फॉर स्विंग और स्टिचिंग टिश्यू लाइक स्किन, मसल एंड टेंडन विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। तो स्विचर्स क्या होता है? स्विचर्स जो होता है, ये एक फाइबर है, एक फाइबर स्ट्रिंग और फाइबर की तरह होता है, और जिसका उपयोग जो होता है वो स्किन पे या मसल्स पे, बॉडी में इंजरी या एक्सीडेंट हो जाता है, तो कट लग जाता है, तो उसको टाके लगाने के लिए यूज़ होता है। ठीक, टाके लगाने के लिए यूज होता है विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। नीडल के द्वारा स्किन पे टाके जो होता है स्टिचिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको स्विचर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचर्स। स्विचर्स जो होते हैं, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? स्विचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज थ्री टाइप्स। ये जो होते हैं, थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला होता है एब्जॉर्बेबल स्विचर्स, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स, हेम्योस्टेटिक स्विचर्स। फर्स्ट वन की बात करते हैं, व्हाट इज द एब्जॉर्बेबल स्विचर्स। तो एब्जॉर्बेबल स्विचर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्विचर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब कि जो हमारी बॉडी में, जिनको कहते हैं गल जाते हैं, जो टाके जो लगाए जाते हैं, जो गलने वाले होते हैं, मतलब कि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकंड होते हैं नॉन एब्जॉर्बल स्विचर्स। तो नॉन एब्जॉर्बल स्विचर्स क्या होते हैं? नॉन एब्जॉर्बल स्विचर्स ऐसे स्विचर्स होते हैं जो कि जो लगाए जाने पे उनको काटना पड़ता है, उनको 7 days या 11 days तक एक टाइम होता है। जैसे कोई कट हो गया तो उस पर टाके लगाए गए स्किन पे, उसके बाद 7 days से 11 दिनों के बाद वो टाके काटने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर्स, कैची के द्वारा उसको काटा जाता है। ये होते हैं नॉन एब्जॉर्बेंट स्विचर्स। और हेम्योस्टैटिक स्विचर्स क्या होते हैं? ये जो स्विचर्स होते हैं, ये यूटेरस में यूज्ड होते हैं, और जब बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन होती है, उनका जब जो बेबी आउट होता है उसके टाइम ब्लीडिंग जो नॉन स्टॉप होती है, मतलब कि नहीं रुक रही होती है, तब यहाँ पे होम्योस्टैटिक स्विचर्स का यूज़ होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्बर स्विचर्स। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्बर स्विचर्स विच आर एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी, एग्जांपल सर्जिकल कैटगट, कैनगारो टेंडन, सिंथेटिक एब्जॉर्बर पॉलीमर्स। तो ये क्या होता है? ये जो होता है एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड डाइजेस्टेड हमारी टिश्यू में ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब उसी में घुल जाते हैं। ठीक, और इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं एब्जॉर्बल स्विचर्स के? फर्स्ट होता है सर्जिकल कैटगट, कंगारू टेंडन, सिंथेटिक एब्जॉर्बल पॉलीमर्स। ये जो होते हैं, ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो फर्स्ट होता है सर्जिकल कैटगट। तो सर्जिकल कैटगट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉलेजन ऑफ अ हेल्दी एनिमल। द कॉलेजन इज यूजली ऑब्टेन फ्रॉम द सब म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप। तो इसका क्या मतलब होता है कि सर्जिकल कैटगट जो होता है, ये कहाँ से हमको प्राप्त होता है? तो ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये शीप जो होता है, शीप जानवर जो होता है, जानवरों से ये प्राप्त होता है सर्जिकल कैटगट। और ये शीप के स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि आंतों से ये प्राप्त होता है। शीप जानवर जो होता है, उसको उसकी आंतों से ये हमको प्राप्त होता है।
ठीक, ये होता है सर्जिकल कैटगट। उसके बाद नेक्स्ट है कंगारू टेंडन। ये क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द टेल ऑफ कंगारू एंड प्रोसेस्ड लाइक कैटगट। इट इज़ यूज इन हर्निया एंड बोन रिपेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, इट इज़ ऑब्टेन, ये कहाँ से पाया जाता है? ये जो होता है ये कंगारू की टेल से, टेल मतलब पूछ, कंगारू की पूछ से ये प्राप्त किया जाता है। और कैटगट की तरह ये यूज होता है। ठीक, इसका उपयोग जो होता है कंगारू टेंडन का, इसका उपयोग हर्निया में भी किया जाता है और बोन रिपेयर मतलब कि हड्डी जैसे टूट गई है, हड्डी ब्रेक हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें भी इसका कंगारू टेंडन का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका जो थ्रेड होता है, जो इसकी कंगारू की पूछ से पाया जाता है, टेल से, तो वहाँ उसमें भी बोन रिपेयर या फ्रैक्चर में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक एब्जॉर्बर स्विचर्स। तो इसमें क्या होता है, सिंथेटिक एब्जॉर्बर स्विचर्स में दे इंक्लूड ग्लाइकोलाइट्स विच आर साइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। तो और सेकेंड है लैक्टिक्स विच आर साइक्लिक डेरिवेटिव्स ऑफ लैक्टिक एसिड। These sutures have high tensile strength. They are easily hydrolyzed and absorbed by tissue. तो ये जो sutures होते हैं, इसमें जो strength होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वे आसानी से hydrolyzed हो जाते हैं। ठीक, इनकी strength भी बहुत ज़्यादा होती है और ये आसानी से hydrolyzed हो जाते हैं और ये टिश्यू में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंथेटिक एब्जॉर्बर sutures जो होते हैं, ये टिश्यू में स्किन पे बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब कि उसी में घुल जाते हैं, मतलब कि टाके लगाए और उसी में ही गल जाते हैं, स्किन में ही उनको इसके बाद नेक्स्ट शेडिंग है नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स में क्या होता है, दीज सूचर्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड रिमेन अनचेंज्ड इन टिश्यू। सिल्क एग्जाम्पल में सिल्क, कॉटन, नाइलॉन एंड मेटल्स आर यूज एज नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स। तो ये जो स्विचर्स होते हैं, ये जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इनको काटना पड़ता है। ठीक, उसके बाद इसके जो इसमें कौन कौन से एब्जॉर्बर स्विचर्स में कौन कौन से स्विचर्स वो आते हैं एग्जांपल, तो जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन, नाइलॉन एंड मेटल्स, ये जो होते हैं ये एब्जॉर्बर स्विचर्स के अंदर आते हैं। पहला है सिल्क। सिल्क क्या होता है, स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क आर अवेलेबल इन वेरियस डायमीटर, दे आर यूज्ड इन द प्लेटेड और ब्रेडेड फॉर्म। सिल्क सूचर आर स्ट्रांग एंड स्मूथ। तो ये जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, सिल्क जो होता है अवेलेबल होता है डायमीटर के फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, और इनका जो उपयोग होता है वो एज अ प्लेटेड और ब्रेडेड के रूप में किया जाता है। और सिल्क स्विचर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि मजबूत होते हैं और स्मूथ मुलायम होते हैं। ठीक, सिल्क स्विचर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और वो मुलायम होते हैं, स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट, कॉटन स्विचर्स आर रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव बट दे डू नॉट मेंटेन ड्यूरेबल स्ट्रेंथ, दिस इज अ डिसएडवांटेज। तो ये क्या होता है, कॉटन के जो स्विचर्स होते हैं, तो ये जो होते हैं ये इनकी स्ट्रेंथ जो होती है इनकी बहुत कमज़ोर होती है, मतलब इनमें ज़्यादा ताकत नहीं, इनके जो थ्रेड होता है उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है। कॉटन के जो स्विचर्स होते हैं वो बहुत ही कम वीक होते हैं, और ये जो होता है ये एक नुकसानदायक है, मतलब एक ये डिसएडवांटेज है, ये नुकसानदायक है। नेक्स्ट है नाइलॉन स्विचर्स आर अवेलेबल एज अ मोनोफिलेमेंट और मल्टीफिलेमेंट फाइबर्स। नाइलॉन स्विचर्स आर स्ट्रांग एंड वाटर रेसिस्टेंट, दे आर यूज्ड फॉर स्किन एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो नाइलॉन स्विचर्स जो होते हैं ये किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो ये मोनोफिलेमेंट के और मल्टीफिलेमेंट फाइबर्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। ठीक, नाइलॉन स्विचर्स जो होते हैं वो मोनोफिलेमेंट और मल्टीफिलेमेंट फाइबर्स के रूप में ये अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और उसके बाद नाइलॉन स्विचर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं,
ठीक, वो जो नायलॉन के टाके जो होते हैं, जो स्विचर्स होते हैं, वो मजबूत होते हैं और पानी रेसिस्टेंट होते हैं, पानी में प्रतिरोधी होते हैं। ठीक, उनका जो उपयोग होता है, यूज होता है, वो एज अ स्किन और प्लास्टिक सर्जरी में नायलॉन स्विचर्स का उपयोग किया जाता है। नायलॉन स्विचर्स जो होते हैं वो एज अ स्किन पे या तो प्लास्टिक सर्जरी में इनका यूज होता है। नेक्स्ट है मेटल्स। तो मेटेलिक स्विचर्स आर मेड ऑफ वायर ऑफ मेटल लाइक सिल्वर और स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या होता है, मेटेलिक स्विचर्स क्या होते हैं, मेटेलिक स्विचर्स जो होते हैं ये जो सिल्वर और स्टेनलेस स्टील की वायर से बने होते हैं। ठीक, ये जो होते हैं वायर तारों से बने होते हैं, किसके, सिल्वर, चांदी और स्टेनलेस स्टील के ये वायर से बने होते हैं, मेटल्स स्विचर्स जो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ स्विचर्स। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ स्विचर्स में पहला पॉइंट है दे मस्ट बी स्टराइल। ये जो होते हैं इनको स्टराइल किया जाता है, स्ट्रायल करके ही इनका उपयोग होता है, इनको स्ट्रायल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, दे मस्ट इनका स्ट्रायल होता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है नॉन इरिटेंट। ये जो होता है नॉन इरिटेंट होता है, मतलब कि इरिटेट नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट शुड हैव फाइनेस्ट पॉसिबल गॉज। तो ये जो होता है फाइनेस्ट पॉसिबल गॉज, मतलब ये जो होता है फाइन होता है, मतलब पतला होता है। ठीक, और थ्रेड जो होता है इसका ये फाइन होता है। शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रॉन्ग फॉर विच दे आर यूज्ड। ठीक, तो इसका मतलब होता है ये जो लगा जो थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है उसका ये मजबूत होना चाहिए और इसके जो फाइन, मतलब कि ये लंबा होना, थ्रेड जो होते हैं वो लंबे होने चाहिए और उसके साथ और भी कोई, मतलब उसमें कोई दूसरे रो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे दूसरे भी थ्रेड जो होते हैं, जैसे टूटा हुआ हो या कटा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट एब्जॉर्बल टाइम शुड बी नो इफ़ इट्स एब्जॉर्बेंट टाइम, एब्जॉर्बेंट टाइप। इसका मतलब होता है कि इसका एब्जॉर्बल टाइप, जैसे टाइम, मतलब कि जो बॉडी में, जैसे स्किन पे लगाए, जैसे बॉडी में हमारे टाके लगाए गए जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो उसमें जो हमारे टिश्यू में डिजॉल्व घुल जाते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उन टाकों का टाइम जो होता है वो पता होना चाहिए कि वो कब कितने दिनों में वो एब्जॉर्ब होंगे।